इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हाउ टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। ओके, मींस जो डेटाबेस है, डेटाबेस में जितना भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर किया जाता है सो दैट हम उसका इफिशियंट एक्सेस कर सकें, तो उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। ओके, तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ओके, एक एक फाइल फिर से क्लासिफाइड होती है रिकॉर्ड्स में, मतलब एक फाइल में कई कई रिकॉर्ड होते हैं। जैसे यहां पर मैंने दिखाया F1 में R1 R2 रिकॉर्ड, F2 में R3 R4 रिकॉर्ड, F3 में R5 R6 और R7 रिकॉर्ड। ओके, और इसके बाद एक एक रिकॉर्ड में कई फील्ड्स होती हैं, या आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे R1 में दो एट्रीब्यूट हैं AB, या कह लो फील्ड्स हैं, R2 में CD एंड सो ऑन। ओके, एक इंफॉर्मेशन तो ये जानना चाहिए था कि डेटाबेस में मींस कैसे क्लासिफिकेशन होता है। ओके, दूसरी चीज, ईच डेटा फाइल इज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स। ओके, ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पेज पढ़ रखा है, जो पेज होता है वही ब्लॉक है। ओके, और इस ब्लॉक का साइज या पेज का साइज सिस्टम डिफाइंड होता है। तो यहां पर ईच डेटा फाइल इज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स, तो यहां पर जैसे देखो ये एक डेटा फाइल है और ये इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ओके, चार ब्लॉक में मैंने दिखाया है, ये एक डेटा फाइल को स्टोर कराने के लिए कितने ब्लॉक की नीड होगी ये डिपेंड करेगा फाइल साइज पर और ब्लॉक के साइज पर। ओके, फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि जो एक ब्लॉक होता है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है रिकॉर्ड्स में, जैसा कि यहां पर ये क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू रिकॉर्ड्स, तो जैसे वन ब्लॉक यहां मैंने कंसीडर किया है और वन ब्लॉक में ये मैंने R1, R2 और R3 रिकॉर्ड्स में इसको क्लासिफाई किया, डिवाइड किया है। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन इसी में है कि ईच रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इंटू फील्ड्स, जैसे यहां पर आपने देखा कि रिकॉर्ड जो R1 था वो A और B इसमें फील्ड थी, तो वैसे ही यहां एक रिकॉर्ड में यहां पर तीन फील्ड मैंने दिखाई हैं। ये भी डिपेंड करती हो सकती हैं कि किस मीन्स रिकॉर्ड में कितनी फील्ड, कितने एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो यहां पर ABC तीन रिकॉर्ड्स हैं। ओके, एंड दैट्स डन।